So first of all, introduce yourself. भावेश कुमार मेरा नाम है और हम यहाँ DRM ऑफिस दानापुर में काम कर रहे हैं एज ए SSC ड्राइंग। व्हील चेयर एक्सेसिबल तो हम लोग को बहुत परेशानी होती है, कहीं भी जाने में जो है बहुत दिक्कत होती है। कोई सुविधा नहीं है सरकार के की तरफ से, कोई मदद नहीं है ऐसा मतलब कुछ किया जाए, लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं कि मतलब जो है धीरे धीरे लोग में ये आ रहा है कि मतलब जो है इन लोग का भी मतलब एक जीवन है, इन लोग के लिए भी मतलब ये तो अब लोग ये हो रहे हैं मतलब। सर कितना एक्सेसिबल है पटना, मतलब आपके हिसाब से मॉल्स है या फिर जो नया म्यूजियम जो है उसके बारे में आप वहाँ पे गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? नहीं मतलब अभी हो गया 10% मान सकते हैं कि 10% जो है अभी जो इधर 2-4-5 साल में जो है अभी कुछ चेंजिंग हुआ है। मतलब अभी जितना मॉल वगैरह सब है जो है मतलब वो अच्छे हैं, मतलब वहाँ हम लोग हमेशा जाते रहते हैं तो आराम से लिफ्ट से जो है बेसमेंट से हम लोग चले जाते हैं। कहीं पहले ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग कहीं नहीं जा पाते थे, अभी म्यूजियम गए तो काफ़ी अच्छा है। ऐसे मतलब धीरे धीरे लोग धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं लोग। अभी हम लोग दानापुर स्टेशन में लगे हुए हैं कि जहाँ हम काम कर रहे हैं तो व्हील चेयर एक्सेसिबल स्लोप होना चाहिए, पटना में तो है 30 डिग्री। हाँ बिल्कुल जो है, लेकिन अभी लगभग बन चुका है और एक बाकी है जो कि मतलब अभी 1-2 महीना में बन जाएगा। वैसे तो धीरे धीरे लोग चेंज हो रहे हैं, बना रहे हैं, कर रहे हैं, हो रहे हैं, लेकिन अभी समय लगेगा, अभी समय लगेगा। जो थिएटर है पटना में तो आप मूवीज जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ओके तो वो एक्सेसिबल है? नहीं जो अभी जो मॉल वगैरह में जो है हम लोग जाते हैं वो वहाँ चले जाते हैं आराम से, लेकिन और भी जो है सिनेमा हॉल जो भी है मोना, हाँ मोना रीजन, इवन सिनेपॉलिस में भी अगर आप जाते होंगे तो आपको ऊपर तो सीढ़ी से जाना पड़ता होगा आपको? नहीं वहाँ मतलब डायरेक्ट जो है नहीं, जब आप सिनेमा हॉल में एंटर कर जाते हैं हाँ तो फिर सीढ़ियाँ है ना, सीढ़ियाँ तो फिर आप ऊपर कैसे जाते हैं? वहाँ फिर मतलब उनका स्टाफ जो होते हैं वो मदद करते हैं और हमको जो है लिफ्ट करके जो है। बट डू यू आपको ऐसा मतलब अच्छा लगता है? नहीं नहीं अच्छा तो नहीं है कि मतलब हम अभी तो कहीं भी जाना है तो मतलब अगर वहीं साइड में अगर स्लोप रहता है, ये सीढ़ी काफ़ी चौड़ी होती है और साइड में एक छोटा छोटा स्लोप दे दें, हम लोग आराम से रैंप जो रहने से आराम से अपने आप चले जाएँ, किसी का हेल्प लेने का जरूरत नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है, इवन आपको कहीं पे भी जाना हो रोड पे भी अगर आप देखेंगे तो मैंने तो कहीं नहीं देखा कि कोई टैक्टाइल्स या फिर स्टाइल्स बनी है। कुछ भी नहीं है पटना में जो है ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो है केवल कभी कभी जू आ जाते हैं जो कि मतलब थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई यहाँ ठीक है। ऐसे पटना में कहीं भी होटल भी जाना होता है कुछ ऐसा, अगर आप फैमिली के साथ कहीं लंच या डिनर कुछ करना है तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो अब जैसे होटल जाना है या फिर कहीं कोई किसी तरह का रेस्टोरेंट जाना है तो बहुत मुश्किल होता है, मतलब कि जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, पड़ता है उससे मतलब अगर कहीं जाना है तो 10 बार सोचिए कि हाँ पड़ेगा कि वहाँ व्यवस्था होगा या नहीं होगा। सर आपको क्या लगता है क्या इम्प्रूवमेंट गवर्नमेंट कर सकती है इसको लेके, या लोगों के रवैया मतलब जो लोग हैं नॉर्मल लोग मतलब जो ऐसे हैं यहाँ पे वो उनका आपके आपके तरफ क्या रिएक्शन रहता है? मतलब फिलहाल अभी तो फिलहाल ठीक है, अभी लोगों के मतलब हेल्प की भावना है। हाँ लेकिन हम लोग हेल्प लेना नहीं चाहते, हम लोग खुद सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हैं। मतलब अब लोग का नजरिया बदल रहा है क्योंकि कितने लोग जो होते हैं वो मतलब मजबूर कर देते हैं, कितने लोग मजाक तक उड़ा देते हैं क्योंकि हमने देखा है कई बार ऐसा होता है। तो वो सब बातें को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, माइंड पे नहीं, पर ऐसा होना ही नहीं चाहिए क्योंकि
अगर बाई चांस कोई करते हैं तो भाई उनकी आजादी है भाई, उनको हम छीन नहीं सकते। लाइफ में आगे कभी नहीं बढ़ सकते, उनकी सोच है। कितने ऐसे होते हैं सीनियर होते हैं कि अगर इतनी प्रॉब्लम है तो जाके घर में बैठो। ये लोग देखिए कहीं भी जाना होता है बाई ट्रेन या बाई प्लेन हमेशा आते जाते, बिल्कुल अकेले जाते हैं हम लोग।